आज हमारे कॉलोनी पार्क में जो मंदिर है वहाँ ऑर्गेनाइज किया है 56 भोग लगाने का, और यहाँ की सभी महिलाओं ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। इसके साथ पहले सभी बैठकर यहाँ भजन कीर्तन करें, मैंने सोचा चलो आपको 56 भोग दिखलाती हूँ जो महिलाओं ने तैयार किए हैं। तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें, और हाँ यहाँ पे ये रहता है ना कि आप जो भी बनाकर लाना चाहो बनाकर ला के चढ़ा सकते हो। 56 भोग में हर तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। आपको साइड में दिख रहा है दही बड़े के पतीले, मतलब क्या खुशबू आ रही है। मेरा सबसे फेवरेट है दही बड़े, तो मेरा नज़र सबसे पहले वही जा। तो ये सभी भगवान जी को भोग लगा दिया गया है, और बाहर यहाँ सभी महिलाएँ बड़ी प्यार से भजन कीर्तन कर रही हैं और भगवान जी को प्रसन्न करने में लगी हैं। और सच में मतलब महिलाएं ना सच में घर की रौनक होती हैं, और यहाँ पे ये सभी महिलाओं ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हैट्स ऑफ करना तो बनता है इन सभी महिलाओं को कि इतना रौनक। ये सिर्फ महिलाएं अपने दम पे, हम लोग तो पता है घर के काम करके ही थक जाते हैं, और ये यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ बना करके ला कर चढ़ाना बहुत बड़ी बात है जो यहाँ की महिलाओं ने किया है। और ये हमेशा मतलब हम यहाँ तो हमेशा नहीं रहते, लेकिन हम मम्मी बताती हैं कि अक्सर बीच बीच में यहाँ इस तरह से फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और हमारे अनमोल जो बच्चे साइड में खेल रहे हैं ना उनको बैठ कर ही देख रहा है। तो यहाँ, और हाँ एक बात और बताऊँ कि यहाँ पे अभी आरती कर रही है मम्मी, और अनमोल जब भी इस पार्क में आता है ना इस पार्क से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेता है, उसको भी इतना सुकून मिलता है। और हम भी जब इस पार्क में आते हैं तो बहुत अपनापन फील होता है। इस ये मंदिर जो है पार्क में ही है, तो इसलिए मुँह से बार बार पार्क निकल जा रहा है, एक्चुअल में इस मंदिर में आकर बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पर सभी महिलाएँ मिलकर प्रसाद बाँट रही हैं, सारी मिठाइयों को उन्होंने एक थाली में कर दिया है, और इसके साथ सभी मिलकर बहुत प्यार से, मतलब पता है हम मैंने जब मेरा मुझे जो एक डब्बा मतलब तैयार करके दे दिया गया था लिफाफे में, उसके बाद फिर कभी कोई लेडीज आ रही थी कि इसमें और रख देती हूँ, और फिर लेके चली जा रही थी और रख दे रही थी, मतलब सबने ना एक दूसरे को सभी बहुत प्यार, जब तक लिफाफा भर ना जाए ना तब तक वो छोड़ नहीं रही थी, इतना सारा प्रसाद दिया। मैंने शॉर्ट्स में ना अपलोड भी किया है सारे प्रसाद को खाते हुए वीडियोज़ बनाकर डाले हैं, और सभी को मतलब घर में शेयर भी करके उसके बाद खाने का वीडियो भी डाला। और ये जो थाली में दिख रहा है ये नारियल की मिठाई आई थी, जो किसी ने बर्फी बनाई थी शायद नारियल की, भी बहुत टेस्टी था। और बाकी बहुत कुछ था, नमकीन चावल चढ़ाया था किसी ने, और कई लोगों ने मतलब घर से पूड़ियाँ तल कर लाए थे, कई लोग सूखी रोटी यहाँ की जो होती है ना घी चुपड़ चुपड़ के वो चढ़ाए थे, मतलब बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें जो कि यहाँ की जो बनाई जाती है ना यहाँ के लोग घर में भी बनाते हैं, तो इसमें वो भी चढ़ा सकते हैं। शायद 56 भोग का मम्मी बताती हैं कि ये रहता है ना कि 56 भोग में हर तरह के प्रसाद चढ़ाए जा सकते हैं, नमक से लेके हल्दी से लेकर के मीठा से लेकर के, मतलब जो उसमें पड़ता है ना नमक हल्दी वाली चीज़ें भी चढ़ाई जा सकती हैं। इसके साथ देख रहे हैं अनमोल जाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कह रहा है कि अभी पार्क में ही घूमेगा पार्क में ही खेलेगा। आप लोगों को क्या पता है 56 भोग के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो मम्मी से यही पता चला कि 56 भोग में हर तरह के प्रसाद चढ़ाए जा सकते हैं, वो चाहे नमक से बनी हो चाहे मीठी बनी हो, मतलब जो आपकी आपके सकान से जो हो सकता है आप अपने प्यार से बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, घर आ गई हूँ मैं प्रसाद लेकर के, कमेंट करके ज़रूर बताना।